जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत निर्मल नगर में जमीन विवाद को लेकर दो पड़ोसियों के बीच हिंसक झड़प में एक ही परिवार की महिला सहित तीन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए MGM अस्पताल लाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि निर्मल नगर निवासी कारू पासवान का पड़ोसी राजकुमार गोप के साथ जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। सोमवार को भी इसको लेकर नोकझोंक होने लगी, जिस पर राजकुमार ने चाकू से कारू पासवान के बेटे मोहित कुमार पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे कारू पासवान और उसकी पत्नी सावित्री देवी पर भी हमला कर दिया। सूचना मिलते ही सोनारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को MGM अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। थोड़ा सा गली जगह अच्छा, जगह किसके वाला? जगह हम लोग का था, हम लोग का दीवार है, तो मेरा दीवार में साट के कोड रहा था, तो हम लोग ये उसका माना कर लिया। अच्छा। तो मेरा दीवार में मत सटा, इसी में संतोष को बुलाया और वो बोली ये चक्कू मारा। कौन मारा? राजकुमार को। अच्छा, आपको भी मारा? हाँ, मेरा ही मारा है, टोटला मेरा वाइफ को भी मारा है। चलाया जब हम ऐसे किए ना, मेरे चक्कू चलाया था, हम ऐसे किए ना तो मेरा छोड़ के इसका मार दिया। जमीन विवाद चल रहा था, ऐसे बीच वो संतोष कुराय नाम व्यक्ति है, उसको बुलाया, विवाद करने लगा, उसी बीच चाकू निकाल के 5-6 बार मेरे ऊपर मारा, एक बार मेरे को लग गया। जमीन विवाद चल रहा था। कौन मारा? कौन? राजकुमार को, तेरू बोलते उसको। तो संतोष कुराय को बुलाया, उसके बाद भैंसा वैसी करने लगा और मौके में मेरा परिवार छोड़ाना है तो उसको भी मारा और चाकू को हमको चलाया। किसका जमीन? किसका जमीन? उसका बगल अलग है, घर पड़ोसी है। अच्छा, तो एक गली है उसमें, तो गली उसको छोड़ने के लिए बोला गया था, मैंने भी छोड़ा था उसको भी बोला गया था कि जमीन छोड़ के बनाना, तो उससे भी विवाद होने लगा, तो चाकू निकाल के मेरे ऊपर 5-6 बार मारा। न्यूज़ विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।